नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कोस्ट में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा। हाँ, और दूसरा पढ़ेंगे वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। हाँ देखिए, ठीक है, यस सर। ओके। सो वोगेल ऑपरेक्स, ये ज्यादा एक्यूरेट, ये है ज्यादा एक्यूरेट। कौन है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा कन्वर्ज कौन करता है? वोगेल, ठीक है। और ये थोड़ा कम कन्वर्जेंस है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब जो निकाले हम लोग सॉल्यूशन, वो ऑप्टिमल है कि नहीं, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना, वो इसीलिए ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अप्रोक्सीमेट कौन है? वोगेल है, बट वो कभी कभी मेंशन करता है। अगर मेंशन नहीं करेगा तो लीस्ट वेस्ट कॉर्नर मेथड भी लगा सकते हो, सॉरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी लगा सकते हो। अगर मेंशन कर दिया कि वोगेल से बनाना, जैसे 2022 का क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन मैं लिखा हूँ ना, इसे मेंशन किया है कि आपको कौन सा लगाना है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सारा चीज नाम से पता चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसका मतलब क्या है? देखो ये क्या है, डिमांड है ना, ये डिमांड का कॉस्ट है ना, और ये सप्लाई का कॉस्ट है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है ये मेथड, आगे हम लोग फर्स्ट मेथड देख रहे हैं ना, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी हाँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देख रहे हैं। सो हम लोग टेबल बना लेते हैं, क्या क्या था, P1, P2 एंड P3, इधर था M1, M2, M3 एंड M4, ओके। और वी हैव डाटा 1, 3, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 2। सप्लाई कितना था? सप्लाई था आपका 15, 25, 10, 10, 10, 10 एंड 20। इधर दोनों का सम कितना था? 50, ओके। सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है ना। अब देखो इस मेथड का मतलब क्या है, कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, एकदम नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से। तो ये सबसे इधर कॉर्नर, और कॉर्नर बोल दिया है तो कॉर्नर मतलब इधर इधर साइड, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते जाएंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर मतलब ऐसा ही चलेगा एलिमेंट, ठीक है। जो इसमें कॉस्ट मिलेगा, जैसे हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, इसको A11 को, सबसे यस नॉर्थ में ये है, ठीक है। सो सर अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कि सप्लाई देखो, अब ये दोनों को देखना है, ठीक है। जैसे 1 को मिलना है तो क्या मिलेगा, 15 मिलना है कि 10 मिलना है? तो ये यही आपका मेथड, हाँ, तो ये आपका मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो सबसे लो कॉस्ट होगा सप्लाई और डिमांड में से, वही ये सबसे नॉर्थ वाले को जाएगा, ठीक है, सबसे कॉर्नर वाले को जाएगा। तो बताओ 10 और 15 में कौन मिनिमम कॉस्ट है? 10 है ना, 10 किस पे यस सर जाएगा? 1 पे जाएगा। और हम लोग बोले कैसे एलिमेंट कैसे चूज करेंगे, एकदम नॉर्थ से, तो 1 को देंगे हम लोग, कितना, 10 दे देंगे, ठीक है। ये चला गया 1 के ऊपर जगह पे, ओके। सो अगर 1 के जगह चला गया तो क्या हो जाएगा बताओ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में करते थे, ये वाला तो कट गया ना, कितना और बन गया, फर्स्ट इसका रो में फाइव कॉस्ट कट के कितना बन गया, अगर 10 मैंने पूरा 1 को दे दिया तो कितना बन गया, 0। और और ये 15 इसके में फाइव में करस्पॉन्डिंग फाइव कॉलम, सर इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कितना बचा बताओ, फाइव रो में फाइव सर है ना, क्योंकि जब 10 कॉस्ट इसको मिल गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम दोनों को देखेंगे ना, तो रो में तो मेरा कॉलम में तो एक भी नहीं बचेगा, 0। बट रो में तो मुझे अगर 15 में से 10 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, अभी भी 5 कॉस्ट बच रहा है, ठीक है। जिस जो वाला कॉस्ट 0 हो गया ना, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग कहीं पे भी इसको असाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको कोई यस इस सर मतलब यहाँ पे अब किसी को कॉस्ट नहीं मिलेगा इस कॉलम में, बट यहाँ पे तो अभी मिल सकता है रो में ना, क्यों, क्योंकि 5 है अभी भी इसके पास, 5 रुपया है, ठीक। अब हम लोग क्या बोल रहे थे, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद सबसे पता, अब बताओ कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा कॉस्ट ना, थ्री में फर्स्ट रो में ओके। यस सर सर सो 3 में जाएगा तो 5 जाएगा कि 10 जाएगा बताओ, दोनों में फाइव से मिनिमम सर कॉस्ट कॉस्ट पांच है, सर 5 है ना फाइव मिनिमम कॉस्ट, तो 5 यस चला सर गया। तो जब 5 चला गया तो ये पोर्शन तो इधर कितना हो गया, 0। और इसमें कितना बचा, 10 माइनस 5,
पांच बचा इस फाइव, वाले को। यस सर। अब बताओ इधर वाला पोर्शन तो कट जाएगा ना, क्यों? क्योंकि आपने पश्चरों के, यहाँ यस जीरो हो सर। गया है, तो अभी तो किसी को कॉस्ट नहीं जा सकता बस, तो ये कट गया। अब बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉर्थ वेस्ट लगा रहे हैं। तो अब बताओ टू नॉर्थ पर, में सबसे नॉर्थ में अभी कौन आया है, टू आया है ना, टू, इधर यस भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, इधर से फिर आते जाओ तो यहाँ पे टू आया है। अब बताओ टू को फाइव मिलेगा कि ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव मिलेगा, फाइव मिलेगा क्योंकि ये लो कॉस्ट है, तो फाइव मिला तो ये जीरो हो गया, और यहाँ पे कहाँ क्या चला गया, फाइव चला गया। सो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में तो देख लिया, रो में भी देखेंगे ना कितना है, 25 है, तो ये कितना घट के ट्वेंटी हो हो गया, जाएगा, ट्वेंटी। 25 माइनस 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अब जीरो कॉस्ट हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या काट देंगे, कॉलम का, अब कॉलम में किसी को भी नहीं मिलेगा। अब देखो सबसे नॉर्थ कौन सा है, ये है फोर, फोर है ना, फोर है, सो फोर को 20 मिलेगा कि 10 मिलेगा, 10, 10 मिलेगा ना, दोनों में से लो कॉस्ट देखेंगे, तो फोर को कितना मिल गया, 10 मिल गया, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे तो जीरो कॉस्ट हो गया, और यहाँ पे कितना कॉस्ट हो गया, 10। अब देखो यहाँ पे जीरो हो गया तो ये कट गया, अब किसको मिलेगा, अब सबसे नॉर्थ में देखो ये फिर वाला वन वन को, बचा ना, तो वन को 10 मिलेगा कि 20 मिलेगा, 10, 10 मिलेगा ना, लो कॉस्ट 10, ठीक, ओके। अब तो यहाँ पे हो गया जीरो, लेकिन इसे करस्पॉन्डिंग कॉलम में तो कुछ बचा ही नहीं है ना। अब हमको ये कौन सा एलिमेंट टू बचा है, को ओनली सर 10 20, देना, तो यस 10 सर। मिलेगा कि 20 मिलेगा, सर टू को 10, 2 को कितना मिल जाएगा, 10, क्योंकि दोनों में 10, मिनिमम कौन है, 10। यस। अच्छा यहाँ पे जब 10 मिला था तो हम लोग यहाँ पे जीरो, इसको 10 नहीं यहाँ किया था पर ना, 10 हो गया 10 था, था, यस सर। हाँ। अब देखो यहाँ पे जब इसको 10 मिल गया तो ये दोनों क्या हो गए, कट के जीरो जीरो हो गए, सारा इधर तो कॉस्ट जीरो जीरो हो गया, सारा कॉस्ट यहाँ पे असाइन हो गया सबको, जिसको इसको असाइन हुआ है वही इम्पोर्टेंट है बस, है ना, जिसको इसको असाइन हुआ है वही मेरे क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे, यही बेसिक सॉल्यूशन है जिसको इसको असाइन हुआ है। सो जिसको इसको असाइन हुआ है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 10 प्लस 3 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 4 × 10 प्लस 1 × 10 प्लस 2 × 10, वही मेरा क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, यही मेरा 105, सॉल्यूशन। हाँ मल्टीप्लाई करो बताओ, तो मेरा 105 है सर, ओके। 105, सो बहुत लोगों ने मेथड पढ़ रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ यस। रखा था वो बताओ समझ आया कि नहीं, जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है, जो नहीं जो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बताओ समझ आया, यस सर, क्लियर है, यस सर, किसके किन्होंने, अनु ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना, समझ आया यस अभी, सर, यस सर। ओके। एक बार में समझ में आ गया, वाह, आपका भी एमएससी हो रहा है ना, अभी एमएससी में हो ना आप, सो इसका 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 आंसर क्या हो जाएगा, 105 सर, 105, 105, ओके। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या क्या देखा था, सबसे पहले देखेंगे हम लोग बेसिक बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है, बेसिक वेरिएबल कौन कौन सा है, तो बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हो गए बताओ, A11 और A12, बताओ मुझे बेसिक वेरिएबल कौन कौन है, बेसिक वेरिएबल मतलब जिसको असाइन होगा कॉस्ट, वही जिसको मेरा लास्ट में साइन जाके हुआ है, यस सॉल्यूशन सर, बनेंगे, तो यस A11, सर, A12, A21, ए टू टू टू, टू A23, A24 और A34, ए ये थ्री मेरे क्या हो फोर यस जाएंगे, सर, ये मेरे क्या हो जाएंगे, 23, A24 एंड A34, ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे बेसिक वेरिएबल हो गए, ये मेरे क्या हो गए, बेसिक वेरिएबल। और इसी में जो कॉस्ट मल्टीपल कॉस्ट आता है, मतलब कॉस्ट को अगर मान लो C11, C12, जो ये कॉस्ट आया ना 10, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आएगा, तो जो मेरा ऑप्टिमल जो मेरा सॉल्यूशन होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, A11 × C11 प्लस A12 × C21, इसका करस्पॉन्डिंग मतलब ये जो वाला जो मैं किया हूँ वही मेथड एक्चुअली। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आप लोगों को दूसरा पीडीएफ भेजे है उसका क्वेश्चन नंबर 18 19 निकालो। नहीं, शिवानी जी ने तो अभी का भेजा ना, वो तो पहले वाला 2022 का मैं भेजा हूँ, उसको ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, सेम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे इसीलिए उठा रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड इफ एक्स वन थ्री
मतलब क्या बोल रहा है कि x 1 3, मैं बताऊंगा बेसिक वेरिएबल कितने होते हैं क्या होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा ठीक है। a 1 3 इक्वल टू a 2 2 इक्वल टू a 2 3 इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है ना। इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है वो मेरा कितना दे दिया है, 10, सबका वैल्यू 10 दिया है ठीक। और क्या बोल रहा है कि x 2 1 x 3 2 एंड x 3 4, इसकी वैल्यू नहीं दी है, बट ये तो सारे कैसे हैं, सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ बेसिक वेरिएबल, बेसिक मतलब इतना ही को कॉस्ट असाइन होगा, वेरिएबल। तो इतना ही क्वेश्चन में तो इन। सर 2 3 में ही सर 10 लिखा हुआ है। हाँ ओके ओके सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे x 2 3 में बस 10 लिखा हुआ है, बाकी x 2 1 x 3 2 x 3 2 3 3 4 x 1 3 एंड x 2 2, इतने मेरे क्या है, ये सारे कैसे हैं, बेसिक वेरिएबल है, मतलब कॉस्ट इतना ही को मिलने वाला है ठीक। अब ये बोल रहे हैं ये कैसा है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ठीक है। अब आपको कितने बोला है, x 3 2 की वैल्यू निकालनी है, x 3 2 की वैल्यू निकालनी है। सो देखो आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इससे ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो सारा चीज यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे d1 d2, शायद d1 d2 कुछ होगा प्लांट मान लो, जैसे अभी मैंने माना था ना d4, और यहाँ पे o1 o2 एंड o4, ये कोई इंसान है, 6, इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट है 2 -1 0 4 2 2 3, और यहाँ पे कितना है 3 1 2 1, अब अवेलेबिलिटी कितना है, ये है 10 लैम्डा प्लस 5 एंड 3 लैम्डा, अच्छा और नीचे डिमांड कितना दिया हुआ है, डिमांड है 10। म्यू को हम लोग एक परी के लिए ए मान ले, क्योंकि म्यू लिखने में थोड़ा, a -5 a+5, और यहाँ पे कितना है 15 ठीक। अब आपको क्या पूछ रहा है, a 3 2 की वैल्यू पूछ रहा है ठीक है। a 3 2, देखो a 3 2 यहाँ पे मतलब a 3 2 में कौन सा कॉस्ट, कितना कॉस्ट जाएगा वो पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक जी सर। ठीक है। अब ये कैसा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बैलेंस है अनु जी, बैलेंस हाँ जिसे पूछेंगे वही बताएगा। है। अनु यस जी सर, बताओ बैलेंस। बैलेंस है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा। ए और लेमडा के बीच में एक रिलेशन मिलेगा ना, 4 लैम्डा प्लस 15। 4 लैम्डा प्लस 15, इक्वल टू क्या बोले थे मैं, जो डिमांड सप्लाई का सम है वो डिमांड के सप्लाई, डिमांड के सम के इक्वल होना चाहिए ना यहाँ पे। इससे कितना मिल जाएगा इधर से बताओ, 25 प्लस 2a। +25। ओके सो यहाँ से मुझे क्या मिला, एक साइड रख लो सबको, यहाँ से क्या मिला 2a 25 से 15 घटा दो, कितना मिल गया, 10। ओके सो कितना, क्या रिलेशन मिला मुझे, a-लैम्डा a-2 लैम्डा इक्वल टू 10 और 5, यही मिला ना, a-2 लैम्डा इक्वल टू 5। देखो यहां से यस सर, उल्टा टू होगा। कॉमन थ्री ले इक्वल लिया, टू कॉमन ले लिया टू 5 -5 सर, आएगा। -लैम्डा -3 वो अच्छा अच्छा ठीक फोर है, लैम्डा तो माइनस टू लैम्डा माइनस ए इक्वल टू 5, ये आया यस सर एक रिलेशन मुझे यहां से ये मिला कि 2 लैम्डा माइनस ए इक्वल टू कितना आया, 5 ठीक। इसको यूज करेंगे बाद में। अच्छा
अब बताओ मुझे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि x23 को 10 मिला है। x23 कौन सा पोजीशन है? x2 ये वाला, ये तो O2 है ना, x23 ये वाला है ना, 2, ये 2, इसको कितना मिला हुआ है बताओ? इसको मिला हुआ है 10, इसको पहले से ही कॉस्ट मिला हुआ है कितना? इसको कॉस्ट मिला हुआ है 10, इसको मिला हुआ है 10। ओके, जब इसको 10 मिला है तो क्या बोल सकते हो बताओ? और कौन कौन से, किसको किसको मिलना है यहाँ पे? सेट ऑफ बेसिक वेरिएबल लिख लो यहाँ पे, कौन कौन सा। x21 को मिलना है, x21 मतलब ये वाला पोर्शन को मिलना है। x32 को मिलना है, x32 मतलब ये वाला को मिलना है। x34 को मिलना है, x34 कौन सा है? x13 को मिलना है, x13 कौन सा है? ये वाला है। ओके, x22 को मिलना है, दैट इज ये वाला है, इसको ही मिलना है। और ठीक है, थ्री फोर को मिलना है, दैट इज 3 4 कौन सा, ये हो गया ना, ये वाला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक क्लियर है ना? इतने लोगों को मिलना है पोस्ट, ठीक है। अब देखो, बस हमको पता कौन सा है कि किसको मिला हुआ है, पता है हमको, ऑनली पता है कि 2 को मिला हुआ है, कि कॉस्ट कितना है, 10 है बस, है ना, ये वाला 8 2 3 को जगह में 10 पता है मुझे, ठीक। अब हम लोग कैसे इसको करेंगे देखो। हाँ, यहाँ पे पता, यहाँ पे मिलना है, ठीक। अब देखो क्या है, इसको 10 मिला हुआ है ना, जब इसको 10 मिला हुआ है, एक सेकेंड, एक बार देख लेता हूँ सही लिखा हूँ। x13 को ठीक है, x22 को ठीक है, x23 को 10 मिला हुआ ठीक है, x21 को ठीक है, x32 को ठीक है, x34 को, अच्छा, 34 को बस मिला ना, 33 को कहाँ मिला है ये, इसको नहीं मिला है ना कुछ। कहाँ हैं आप लोग, है ना इधर सब? सर कॉस्ट यस जरूरी है सर, सर, ओके। सो ये आ रहा है सर। यहाँ तक सबका आ गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 10 मिला है इसको, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा घटेगा? अगर 10 मिल गया इसको तो कैसे कॉस्ट सर कैसे ए होगा प्लस बताओ? तो 5 माइनस 10 होगा, और उधर से लैम्डा दोनों प्लस में फाइव 10 माइनस माइनस हो टेन जाएगा, होगा है ना, दोनों में क्या होगा? ओके, अगर इसको 10 सर, तो मिला है तो ये कट माइनस के टेन क्या होगा बन जाएगा बताओ? ए प्लस सर, फाइव माइनस 10 क्या हो जाएगा? ए माइनस फाइव ए माइनस 5, और इधर क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस फाइव 5। ओके, अब बताओ एक चीज देखो, या तो अभी ये काम नहीं करो आप लोग, ठीक है, एक ये काम अभी मत करो। एक चीज तुम देखो, कहाँ पे सिंगल मिल रहा है? यहाँ पे तो 3 जगह मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 जगह मिल रहा है, कहाँ पे सिंगल मिल रहा है? यहाँ पे सिंगल मिल रहा है सर, ना, फर्स्ट वाले रो फर्स्ट वाले फर्स्ट में शो सिंगल में मिल रहा है ना, तो ये बताओ इस वाले कॉलम के करस्पॉन्ड, इस वाले रो के करस्पॉन्डिंग ये 10 किसके पास चला जाएगा? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा यस जाएगा सर, सर, माइनस माइनस वन के पंथी के पास। पास चला जाएगा ना, क्योंकि अभी आपने देखा था कि एक रो में एक ही को असाइन होना चाहिए, तो ये रो में जब ये एक ही असाइन है, वन माइनस वन को ही असाइन है, तो 10 पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? इसी में चला जाएगा, 10 में। सो ये 10 में चला गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग अब यहाँ तो किसी को नहीं मिलेगा, और ऐसे ही पता है कि मुझे इस रो में किसी को नहीं मिल रहा है इसका करस्पॉन्डिंग, तो ये 10 पूरा इसी में चला गया। अब बताओ, जब 10 10, और यहाँ इस कॉलम में भी बस दो ही को मिल रहा है, 10 10, और मिल चुका है, जबकि दोनों पाई सेटिस्फाई करना चाहिए ना, यस सर, तो ये कट के कितना हो गया बताओ? यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, और ये कितना था? ए प्लस 5, तो ये कट के कितना हो गया? ए ए प्लस माइनस फाइव फाइव माइनस ए ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन तो यस ये सर, ए माइनस कितना हो गया? माइनस ए माइनस फिफ्टीन 15, यस सर, ए माइनस कितना हो गया? 15। इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे सर इसको, इसे वही दे तो देंगे। बोल रहा हूँ, बताओ। अब देखो क्या है, जब यहाँ पे आपने इधर 0 रख दिए, और इस कॉलम में भी आपको पता है कि क्या है, इस दोनों को रखने पे यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे कट कट के 0 हो जाता है। अगर इस रो में एक ही जगह को मिला है तो यहाँ पे भी कट के 0 हुआ ना, और इस कॉलम में 2 जगह ही बस मिला है, ये वाला तो बेसिक वेरिएबल है नहीं, तो ये दोनों मिल के यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट के 0 आना चाहिए, है ना, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल गई बताओ? ए की वैल्यू मिल गई मुझे 15, 15 ठीक है।
पता है ना आपको, ये कट के जीरो आना चाहिए, कॉस्ट यस जीरो सर, होता है, कट जैसे के अभी जीरो आ पीछे जाएगा। आपने देखा यस था। सर, तो ये जीरो होने का मतलब क्या है, कब जीरो हो सकता है, इक्वल टू जीरो कर दो तो एक की वैल्यू यहाँ से मिल गई 15। और आपने अभी जस्ट इसके आगे एक इक्वेशन लिखा है दोनों तो लैम्बडा डिमांड सब कॉस्ट सम से, टेन हो यहाँ जाएगा से क्या आ गया 2 लैम्बडा -15 = 5। तो 2 लैम्बडा इक्वल टू सर, कितना आ गया टेन आ बताओ, गया, ये हो गया ट्वेंटी 20। तो लैम्बडा इक्वल टू कितना आ गया 10। सो टेन आपको लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल गई, लैम्बडा और ए की वैल्यू। यहाँ पे बताओ ये कितना हो गया, एक की वैल्यू मिली है ना, 15 - 5 कितना हुआ, सर, टेन हो गया। 15 - 5 10। और यहाँ पे कितना हो गया, λ+5 लैम्बडा कितना फिफ्टीन मिला, 10 15 हो गया, फिफ्टीन थर्टी और 3 λ कितना हो गया, थर्टी 30। सब सबका वैल्यू निकल गया। अब जैसे आप लोग करते हो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम में, करो क्या करते हो, देखो यहाँ पे कि ये वाले में देखना है अब, तो ये वाले में कैसे मिलेगा ये बताओ मुझे। सर। सर टू वाले के पास तो 10 चले जाएंगे और फोर वाले के पास 5। नहीं सर, 10 नहीं, नहीं सर, नहीं देखो लीस्ट वेस्ट अभी टेन बताया करना। हूँ, कॉस्ट यस सर, जो भी टेन कॉस्ट जाएगा, वेस्ट, तो यहाँ पे सर देखोगे ना फोर वन को, टेन तो मुझे बताओ जाएगा। यस सर, 10 जाएगा कि 15 जाएगा। सर वन टेन, पे 15 जा रहा है सर, 15 क्यों जाएगा, इधर सर टेन मैक्सिमम है, है, यहाँ ये पे 10 फिफ्टीन है ना, मिनिमम है, तो मिनिमम वाला जाएगा ना टेन जाएगा प्रियांशु। सर। कॉस्ट मैं अभी उसमें बोल रहा हूँ सर, 3-4 में सर। अभी 3-4 मत जाओ, अभी लीस्ट वे वो वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाओ ना, इसको जाएगा ना सबसे पहले 4 को, यस तो सर, 4 में कौन, 4 को कौन जाएगा बताओ, 15 जाएगा कि 10 जाएगा। टेन जाएगा सर, बट वेस्ट कॉर्नर में 6 है ना, तो हेलो हम सर, तो हाँ सर ये है तो 10 ही ना, ये भी लैम्डा इक्वल भी तो 10 आएगा ना सर, यहाँ 4 पे असाइन नहीं दिया है। हेलो सर, हाँ बोलिए। ये क्वेश्चन में ना 2-1 पे असाइन नहीं है सर, वो 3-1 पे है। तो वही चीज तो मैं तभी से आप लोगों को देखने बोल रहा हूँ, थ्री वन सर लिखा हुआ है वो। यस सर, 3-1 है सर। हेलो सर, सर हाँ एक बार ये फिर से बता दीजिए, a+5 - 20, ये जो आपने 20 लिया है, ये -1 का 10 लिया और 2 का 10 लिया है, तब 20 आया है। देखो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ तक तो समझ आया ना कि जब यहाँ पे इस वाले रो में ओनली बस क्या था, इस पे असाइन था बेसिक वेरिएबल ये था, एक्चुअली क्वेश्चन में उन्होंने बेसिक वेरिएबल दे दिया, तो आपको पता है कि कॉस्ट किस पे जाएगा, बस 10 पे ही जाएगा। तो इस वाले रो में जब ये अकेला है तो वो पूरा का पूरा 10 10 तो ले लेगा ना, तो 10 जब ले लिया तो इधर तो पूरा 0 बना दिया, 0 कॉस्ट बना दिया। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो क्वेश्चन में दिया है कि a 2 3 पे 10 असाइन है, मतलब इस वाले कॉलम में भी आपका फुलफिल हो गया, इस वाले कॉलम में भी आप कोई बेसिक वेरिएबल नहीं बचा, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग भी तो कॉस्ट 0 होना चाहिए ना इस कॉलम में। तो आप बताओ क्या था, इस वाले कॉलम का कॉस्ट कितना था, a+5 है ना, और आपने देखा है कि 10 + 10 आपने दे दिया है, तो 10 + 10 कितना होता है, 20। मैंने क्या बोला था कि इसमें 20 माइनस करोगे ना, इस वाले जितना कॉस्ट होगा, तो a+5 - 20 करोगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस्ट 0 होना चाहिए। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई, 15, समझे। ओके सर, क्लियर हाँ उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट को 0 करना है बस, और इसको ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके, क्योंकि आपको 10 10 मिल चुका है ना, 10 10 20, इसमें से 20 घटाओगे ना तब ना 0 की इक्वल करोगे, है। ये -1 का 10 ले रहे हैं और ये 2 का 10 ले रहे हैं ना, टू का दोनों दस को ले ऐड रहे हैं, इस करें तब कॉलम के जाके। करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। हाँ हाँ ओके, अच्छा, जैसे अभी ज्योति जी बताई एक मिस्टेक, यहाँ पे नहीं था, तो आप लोग जो कि नहीं देख पा जस्ट रहे थे, इसके नीचे है इसके नीचे है यहाँ पे। अब बताओ आप सर, कहाँ जाएंगे, लिस्ट अभी वो जो भी मेथड पढ़ाए थे इससे, वेस्ट कॉर्ड लिस्ट वाला मेथड, वेस्ट नॉर्थ वाला, कहाँ पे जाएंगे, 2 में जाएंगे, तो 2 पर जाएंगे जब हमें 2 2 में को असाइन जाएंगे तो करना टेन मिलेगा पड़ेगा। कि 15 मिलेगा। 10 10 10 मिलेगा, याद रखो एक बार ध्यान से देखो, 10 मिलेगा कि 15 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 मिल चुका है, याद रखना, क्योंकि 10 मिल चुका है, तो यहाँ पे मुझे इधर 0 बनाना सर, है, फिर तो 5 सर, मुझे इधर 0 फिर तो बनाना है, सर यहाँ पे क्या रखूं कि इधर 0 बन जाए, ये पूरा कॉस्ट 5। यस 5 है ना, तो मुझे यहाँ पे सर, 5 देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे 2 जगह देना है मुझे, 1 में भी यस देना है, सर, 2 में भी देना है, तो यहाँ पे 5 दूंगा तब इधर 5 + 10 15, 15 - 15 ये 0 बनेगा, तो यहाँ पर जब 5 दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 5 5 बचा, और बच आपको गए, पता है इस कॉलम में कितना है, एक ही जगह बचा हुआ है 5, तो यहाँ पे भी ये पूरा 5 चला गया, ये तो ये 5 0 बन चले। गया। यस सर, अच्छा अब बताओ इस वाले कॉलम में तो बस 10 ही है, मतलब 3 में ही जाना है, तो बस ये 10 में इसी में जाएगा ना, टेन ये मिल पूरा जाएगा पूरा इसको।
अब देखो यहाँ पे 10, 5, 15 हो गया, और यहाँ पे कितना बनाना है तुमको, 30 बनाना तो है। 15 मिल गया, वो नीचे भी पंद्रह ए की यहाँ पे वैल्यू बचा हुआ पूरी है अकेला, 15 थी, इस वाले यस सर कॉलम में तो 15 आ कुछ है गया, नहीं, तो ये 15 पूरा यहाँ चला जाएगा। देखो यस अब पूरा सर। बैलेंस हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सब 0 0 हो गया। तो बताओ A23 को क्या मिला है, ए ए एक्स 32 को क्या मिला है, 5 मिला है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। समझ आया? ओके, जो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे उनको समझ आया? यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कैसे कैसे क्या करना है, वो चीज सब चीज यूज करना था इसमें, है ना। बेसिक वेरिएबल आपको दिए थे, बस आपको उसके करस्पॉन्डिंग डाटा सेट करना था, है ना। वही वही बस नॉर्थ जो अभी इससे पहले बताया था ना, वेस्ट नॉर्थ मेथड, वही लगाना था इसमें, है ना। तो एक बार, अब तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, कि रिपीट कर दूं? बोलिए, जिनको नहीं समझ में आएगा रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर दीजिए सर। तो मैंने किया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया क्या, सबसे पहले तो आपको तो ये चीज समझ आ गया होगा ना, कि जो रो सम सप्लाई सम और जो डिमांड सम है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। O1, O2 एंड O3, तो यहाँ पे कितना था, 6, 2 -1, 0, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, और इधर कितना था, इधर सप्लाई था मेरा कितना, इधर सप्लाई था 10 λ + 5 λ, 3λ, इधर डिमांड कितना था, इधर डिमांड 10 a - 5 a - + 5 और 15, ठीक है। तो अभी हाँ, जिन्होंने बोला रिपीट करने वो बताइए मुझे, कि ये वाला तो समझ आया ना, कि जो सप्लाई सम होना चाहिए और जो डिमांड सम होना चाहिए वो इक्वल होने चाहिए दोनों, है ना। यस बैलेंस के लिए, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया है क्वेश्चन में, तो बैलेंस के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या मिला था, क्या मिला था, इक्वल टू 5 इक्वल टू ए माइनस टू टू लैम्डा -5 माइनस ए इक्वल टू फाइव, है ना। ओके, मतलब ए माइनस टू लैम्डा इक्वल टू फाइव, ये मिला था ना। यस सर। ए -2 -5 अच्छा चलिए, अब यहाँ पे आपको ये मिल गया, एक इसका बाद में यूज करेंगे, ये तो यहाँ पे ऐसे ही मिल गया जिस सम। अब आपको क्या दिया हुआ है, बेसिक वेरिएबल दिया हुआ है। तो मैं क्या बोला था, जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक वेरिएबल जो जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आएगा उसी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, तो वही मेरा सॉल्यूशन दे देगा। अब देखो बेसिक वेरिएबल इन्होंने दे दिया है कि कौन कौन से, A13 है, A13 यहाँ पे है, फिर A22 है, A22 है, A23 का 10 ही दे दिया वैल्यू, इसका वैल्यू 10 दे दिया ऑलरेडी, और बोल रहा है कि A31 है, ओके, A32 है, ओके, एंड A34 है यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको दे दिया है, अब आपके ये वैल्यू पूछ रहा है इसमें कौन सा कॉस्ट जाएगा। जब तक मुझे ए और लैम्डा की वैल्यू नहीं पता चलेगी, तब तक ये वैल्यू मुझे नहीं पता चलेगा ना कितना है। सबसे पहले मुझे तो क्या करना पड़ेगा, ए और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो, ए और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देख लेंगे कि किस वाले रो में सिंगल सिंगल सब बैठा है। मुझे बताओ, फर्स्ट वाला रो देखो, इसमें क्या है, सिंगल जगह पे असाइन हुआ है ना, बेसिक वेरिएबल सिंगल जगह पे है ना। तो जब ये वाला जो 10 है ये उठ के पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा ना, क्योंकि इस वाले रो में तो और कोई है ही नहीं बेसिक वेरिएबल, तो ये 10 किस में चला जाएगा, जिस जो बेसिक वेरिएबल है उसमें। तो ये कॉस्ट जब 10 इसमें चला गया, तो ये कट के कितना हो गया, 0, और ये यहाँ पे कितना हो गया बताओ, A-10 A-5 हो गया ना, हो गया ना, क्योंकि A+5 - 10 भी करोगे ना, 10 आपने दिया है, ठीक है। तो ए माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो 10 यहाँ पे भी तो मिला हुआ है, ये वाला 10 को भी तो माइनस नहीं किए है, तो ये वाला 10 को भी माइनस करना पड़ेगा ना, इसीलिए ये वाला 10 को भी माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है, ये वाले को। अब मुझे बताओ, इस वाले कॉलम में और कोई किसी में जाएगा क्या, क्योंकि इन्होंने खुद ही बेसिक वेरिएबल दे रखा है कि ये वाला है और ये वाला है, ये तो बेसिक वेरिएबल है नहीं, इसके अंदर तो आप कभी जा नहीं सकता है। तो जब ये फुलफिल हो गया, तो यहाँ पे भी तो कॉस्ट 0 होना चाहिए ना, क्योंकि मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, सब कॉस्ट को तो 0 कर रहा हूँ ना, सप्लाई और डिमांड के कॉस्ट को,
है ना, वही तो करना है हमको फाइनली, 0 0 सब कॉस्ट को असाइन कर देना है, 0 0 लेके आना नीचे। इसको 0 बनाने के लिए, जब ये कॉलम फुलफिल हो गया है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ए की कौन सी वैल्यू रखेंगे कि 0 आ जाए, ये 15 15 15 है ना, क्योंकि 0 से इक्वेट कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15। जब ए की वैल्यू 15 मिल गई, तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली, टेन 10 टेन मिली। तो लैम्डा की वैल्यू 10 मिली, तो यहाँ पे 15 पता चल गया, यहाँ पे 30 पता चल गया, यहाँ पे ए की वैल्यू आपको 15 मिल गई, तो यहाँ पे कितना पता चल गया, 10 पता चल गया। सारे कॉस्ट अब निकल गए डिमांड और सप्लाई वाले, ये तो 0 हो गया यहाँ पे। ओके, अब 10 10 15 इधर 0 हो गया, ये 15 30, ये बताया आपके पास, ठीक है। आप देखो अभी मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, तो अभी बताओ यहाँ पे जब 10 असाइन हो गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएंगे, या यहाँ मिलेगा अभी इसको। तो ये बताओ कि ये 2 में कौन सा जाएगा, 15 जाएगा कि 10 जाएगा। टेन लेकिन आप देखो ना, यहाँ पे तो 10 मिल चुका है ना, यहाँ पे तो 10 मिल चुका है ना, तो जब हाँ यहाँ पे 10 मिल गया, तो ये कट के कितना होगा बताओ, यहाँ पे 10 फाइव मिल गया है ना, तो यहाँ पे 5 होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग तो नीचे 0 था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कॉलम में भी तो कट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 5 बचा। अब बताओ 5 और 10 में से कौन मिनिमम है इसमें जाने के लिए, 5 5 है ना, तो 5 चला गया, तो इधर ये बन गया 0, और इधर ये क्या बन गया, क्या बन गया, 5 बन गया। अब बताओ ये 5 कहाँ जाएगा, यही तो जाएगा, बचा कुछ उसके पास उपाय बचा है, क्योंकि बेसिक वेरिएबल इस कॉलम में कौन बचा है, यही बचा है, तो 5 इसके पास चला गया, तो ये 0, और इधर कितना हो गया, 15। बाकी मुझे मतलब भी नहीं है कि यहाँ पे कौन गया, मुझे तो इसकी वैल्यू ही बस पूछी थी, पता चल गया कितना है, 5। 8 3 2 पे कौन सा कॉस्ट गया है, 5 गया है, समझे। बाकी इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, इसमें क्या क्या जाएगा, इसको 0 करना है ना, इसमें क्या भेज दो, इसमें 10 भेज दो, 10 प्लस 5 15, और इधर कितना, इधर कितना भेज दो, इधर मेरा पूरा का पूरा 15 भेज दो, है ना, तो पूरा 30 को फुलफिल कर देगा, ठीक है। बाकी तो ये 5 चला गया, यहीं से मतलब है, समझे। यस सर ओके, तो यही काम करना था।